हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं करूँगी बात फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए ब्लू हेवन एक्सप्रेशन काजल की, जो कि जस्ट फॉर पीस, लाइक इसकी जो MRP है वो जस्ट फॉर पीस 60 है। एंड ये आपको बहुत इजी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने नियर बाय कॉस्मेटिक शॉप वगैरह से भी बाय कर सकते हैं, अगर वहाँ पे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इट्स वेरी अमेजिंग कि आपको 60 रुपीज़ में ब्लू हेवन का बहुत अच्छा सा काजल मिल जाता है, जिसके साथ आपको इस तरह का शार्पनर भी मिलता है, तो आप इसको शार्पन कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस। एंड ये कोल की तरह है, लाइक हम जो नॉर्मली लिप क्राउन वगैरह यूज़ करते हैं, ये उसकी तरह है बिल्कुल। एंड देन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ब्लू हेवन के काजलों की, वो ये है कि ये टोटली लेड फ्री होते हैं एज द कंपनी क्लेम्स दिस। इसमें भी मेंशन है, यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल ब्लू हेवन काजल्स आर लेड फ्री। सो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसमें ऐसा मेंशन है कि ये आई डिफाइनिंग है प्लस वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है। सो लेट्स सी कि 60 रुपीज़ में आपको किस हद तक कौन सा काजल मिलता है, कि वाटर प्रूफ होगा या नहीं, स्मच प्रूफ है या नहीं, है तो कितना है। सो ये देखते हैं, जस्ट फॉर पीस 60 आपको मिल जाएगा। शेल्फ लाइफ इसकी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स है। सो इसको करते हैं ओपन। मैं भी फर्स्ट टाइम ही होगा कि मैं इसको यूज़ करूँगी, तो ये हम करेंगे ओपन। सो ये रहा शार्पनर। आप चाहें तो इससे अपने लिप टोन्स भी शार्पन कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई महंगा शार्पनर नहीं खरीदना, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप 60 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इस काजल में करें। आपको काजल के साथ साथ शार्पनर भी मिल जाएगा। सो इट्स वेरी अमेजिंग। सो ये रहा ये काजल, शार्पनर को मैं सेट कर देती हूँ। सो ये रहा काजल, इस तरह से ये है। एंड अब देखते हैं कि कितना कैसा है। इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट टू अप्लाई एंड बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है इसका। आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा है एंड बहुत ईजिली अप्लाई करना है इसको, एंड बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा। बहुत अच्छा है, ईजी टू अप्लाई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो पैकेजिंग वाइज आई थिंक वेरी नाइस। 60 रुपीज़ में बहुत अच्छी पैकेजिंग है, क्वांटिटी वाइज भी अच्छा है। आप इसको शार्प भी कर सकते हैं, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी नहीं है इसकी, आप इसको आराम से शार्प कर सकते हैं। सो इट्स वेरी अमेजिंग। सो ब्लू हेवन तो वैसे भी क्वालिटी अच्छी होती है ब्लू हेवन की। कम पैसों में अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आई थिंक ब्लू हेवन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब देखते हैं कि ये कितना स्मच प्रूफ है। सो लेट्स सी कि ये स्मच ऑफ होता है कि नहीं। सो ये पूरी तरह से स्मच नहीं हो रहा, लाइक इसका अगर मैं बोलूं कि 60 रुपीज़ के हिसाब से आई थिंक ये ओके है। बहुत ज़्यादा अगर हम इसको रगड़ रगड़ के यू करेंगे तब जाके ये पूरी तरह से हटेगा आई थिंक। सो इट्स वर्थ इट, लाइक 60 रुपीज़ में आपको ये क्वालिटी मिल रही है तो आई थिंक इट्स गुड इनफ। एंड बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है, अगर केमिकल्स होते तो ये ज़्यादा स्टे करता, बट इसमें ऐसे कोई केमिकल या कुछ आई थिंक है नहीं। सो इट्स नॉट स्मच प्रूफ, एंड अगर ये स्मच प्रूफ नहीं है तो आई डोंट थिंक ये वाटर प्रूफ भी होगा। बट ओवरऑल 60 रुपीज़ में अगर आपको इस तरह का काजल मिलता है, सो आई थिंक इट्स ओके एंड गुड टू बाय। बट मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप चाहें या ना चाहें, बट आप इसको ऑनलाइन ना बाय करके आप इसको अपनी कोई भी कॉस्मेटिक शॉप से बाय करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं। वैसे ही 60 रुपीज़ का है, बट आपको 100 समथिंग और 200 समथिंग पे करना पड़ेगा अगर आप सिंगल क्वांटिटी लेते हैं तो। मैंने तो काफ़ी सारे मंगवाए थे तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ, बट आपको हो सकता है। सो इसलिए कोशिश करें कि आपके आसपास कोई कॉस्मेटिक शॉप है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बट अगर इनकेस आप चाहें भी उसको बाय करना, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया. पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग.